आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे कि जो जो मैंने आपको थीम पढ़ाई है उनसे रिलेटेड मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आंसर फिर नोटबुक में लिखेंगे, पहले रफ में लेकर उसको जज करेंगे। यदि आपको वो जज हो गया, आपको जजमेंट मिल गया कि इट इज राइट, देन यू कैन राइट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक। बट इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, सिर्फ फोर एग्जाम्पल एक लेता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है स्टूडेंट्स कि 573 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जितना केल्विन टेम्परेचर है उसमें से 273 माइनस कर देने पर जो बचता है वो डिग्री सेल्सियस बन जाता है। और इसका अपोजिट जितना डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है उसमें 273 इसके लिए आपको कहता हूँ और उसमें 273 हम प्लस कर देते हैं तो वो आप वापस 573 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरा एरो देख लीजिए, यदि कोई तापमान केल्विन में गिवन है तो उससे 273 माइनस कर देने पर, सब्ट्रैक्ट कर देने पर जो वैल्यू बचती है, जो डिजिटल जो मान बचता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। और डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देने पर जो वैल्यू बनती है वो केल्विन टेम्परेचर होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा है उसमें केल्विन में बदलना है। तो ये मैंने आपको बता दिया जितना डिग्री सेल्सियस गिवन है उसमें 273 प्लस कर देना, केल्विन बन जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। नेफ्थलीन की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है और स्टूडेंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेफ्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जो ऐसे कपूर जो होता है उसकी तरह का होता है। नेफ्थलीन क्या करता है कि सामान्य टेम्परेचर पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, तो हमारे पास नेफ्थलीन है, वो कह रहा है नेफ्थलीन को खुले में रख दिया, थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर बिना कोई पदार्थ को छोड़े ये गायब हो गया। गायब इसलिए हो गया कि नेफ्थलीन में ऊर्ध्व पातन का गुण पाया जाता है। नेफ्थलीन में ऊर्ध्व पातन का गुण पाया जाता है। तो यह सामान्य ताप पर वातावरण में खुला रखने से इसके कण वातावरण की ऊष्मा पाकर धीरे धीरे बिना द्रव बदले सीधे गैस में बदलकर वायु के कणों में समाहित हो जाते हैं। अतः कुछ समय बाद हम वहां देखते हैं कि बिना किसी पदार्थ को छोड़े वह नेफ्थलीन पदार्थ से गायब हो जाता है, अर्थात ऊर्ध्व पातन प्रक्रिया के द्वारा वह ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका आंसर है, इसको दो बार रिवाइंड करके सुन ले, तीन बार सुन ले, ऐसा आंसर आपको मिलता है। आगे देखिए थर्ड में सेकंड है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। आप कहेंगे साहब कि ठोस द्रव और गैस, उत्तर सुनना आप, क्योंकि ठोस द्रव और गैस में गैस के कणों की गति सबसे
तीव्र होती है, तेज होती है और अनियमित गति होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी से हवा के कणों के मध्य स्थान प्राप्त करते हुए और बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें इत्र की जो खुशबू है वो, उस इत्र की जो गंध है वो बहुत दूर तक हमें पहुंच जाती है या हमें महसूस होती है। कारण सुनना, कारण ये था इसका कि इत्र इत्र गैसीय रूप में, इत्र जब बाहर अपना लगाते हैं तो वह गैसीय रूप में इतना हल्के कणों में विभाजित हो जाता है कि वह गैसीय कणों के मध्य में बहुत तेजी से अनियमित गति करते हुए चारों ओर फैल जाता है, जिससे हमें दूर बैठे ही इत्र की गंध महसूस हो जाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित पदार्थों को उसके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले जल है, फिर चीनी है और फिर ऑक्सीजन है। तो कणों के मध्य आकर्षण सबसे ज्यादा ठोस में होता है। तो यहाँ पर गैस है, ऑक्सीजन है और फिर उसके बाद जल है और फिर चीनी है। तो बढ़ते हुए लिखना है, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ, और उसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो ये रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर लिखेंगे जल और फिर लिखेंगे चीनी। कणों के मध्य आकर्षण को बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे कम गैस में होता है आकर्षण, मतलब जल में होता है, फिर चीनी में होता है। यानी इसका सब लिखते हैं हम कि चीनी में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम, इस तरह भी हो सकता है। हम उनको केवल वर्ड लिखते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं। आगे देखिए हमारा सवाल, क्वेश्चन संख्या जो फिफ्थ है, वो ये कह रहे हैं निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। एक तो 0 डिग्री सेल्सियस है, एक 25 डिग्री सेल्सियस है और एक 100 डिग्री सेल्सियस है। आप कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, पानी ठोस में परिवर्तित होने की कोशिश करता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी अपनी सामान्य स्थिति, सामान्य अवस्था में रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉइल होने लगता है, उबलने लगता है। तो देखिए इसका आपको आंसर लिख कर बताता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और इसके आंसर में आप लिखेंगे सबसे पहले 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां आप लिखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी ठोस यानी बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। ये जरूरी नहीं फ्रेंड, ध्यान देना कि 0 डिग्री हमने क्या उसे थर्मामीटर डाल रखा था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आते पानी घुस जम गया, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर आया अभी तो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पानी दोनों अवस्थाएं होती है। पर अभी पानी है तो उसको अभी पूरे पानी के जमने में जो टाइम लगेगा, उतनी टाइम तक हम जो उष्मा बाहर निकाल रहे हैं, उसका उष्मा का जो अपन कहते हैं अवशोषित कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं बाहर, उसका उत्सर्जन कर रहे हैं, वो उत्सर्जन जारी रहेगा। और वैसे यदि सेम टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि बर्फ है उसको पानी में बदलना है तो उसको उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, पर जब पूरी बर्फ पिघलकर पानी बन चुकी होती है तब हम देखेंगे कि जितना टेम्परेचर बर्फ का था उतना ही टेम्परेचर पानी का है। तो उष्मा कहाँ गई? वो उष्मा उस ठोस को द्रव में तब्दील करने के काम में आई, उस ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल था उसको तोड़ने के काम में आई, और वह उष्मा उन कणों के, ठोस के कणों की दूरी बढ़ाने के काम में आई, जिससे वो द्रव में बदल गया। और वह उष्मा जो हमने उस बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने के लिए दी थी,
वो उष्मा गुप्त उष्मा के रूप में उस द्रव के प्रत्येक कण में मौजूद होती है। आगे देखिए, तो ऐसा यहां पर भी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पानी, मैंने बोला जम पानी पर पानी कोश में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात जमने लगता है, अभी जमा नहीं पूरा, प्रारंभ होता है, जमने लगता है, यानी जमने की प्रोसेस में आता है। और देखिए सेकंड है उसका स्ट्रेंथ 25 डिग्री, सेकंड पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस। इस पर पानी की क्या स्थिति रहती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स की 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तापमान पर पानी तरल अवस्था में अपने एक लाइन और जोड़ता हूं, अपने सामान्य गुणों के साथ के साथ उपस्थित रहेगा। और थर्ड की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट थर्ड है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या स्थिति होती है, तो हम कहेंगे स्ट्रेट्स की 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव होता है, या पानी की बात करें, कोई भी द्रव, सभी द्रव तो उबलना स्टार्ट नहीं करते, पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर रहा है, मतलब जो ही 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ वो उबलना शुरू हो जाए, स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में किसी भी द्रव का वह पॉइंट होता है जिस पर वह द्रव उबलना प्रारंभ करता है, स्टार्ट हुआ है, नॉट कंटिन्यू बॉइलिंग, कंटिन्यू बॉइलिंग में जहां पर बॉइल होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट को है जल के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट है। क्वथनांक बिंदु से कहते हैं, क्वथनांक बिंदु से कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री इसको यहां पर हम लिख देखते हैं, तो ये हमारा जो ये क्वथनांक है, और जब बर्फ का पानी में होता है तो इसे गलनांक, तो ये गलनांक बिंदु पर भी होता है, कोई भी ठोस यानी बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना भी शुरू हो जाती है और जमना, दोनों स्थिति है। तो यहां पर ये जो गलन बिंदु है, सहगलन बिंदु, उसका काम भी करता है, सहगलन बिंदु का भी काम करता है। आगे देखिए 100 डिग्री टेम्परेचर हम बात करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलना प्रारंभ करता है, यानी प्रारंभ करता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसका क्वथनांक जिसे कहते हैं वो है। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 15 आंसर। सिक्स कह रहा है पुष्टि कीजिए कारण के साथ कि जल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, इसका आप प्रयोग बता सकते हैं कि हमने एक कांच के बर्तन में बीकर में हमने पानी लिया,
और उसको रूम टेम्परेचर, रूम थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर को पानी में डाला और कमरे का तापमान हमने जांच किया और जो भी है अलग अलग जो स्थिति में अलग अलग जगह और अलग अलग ऋतु में कमरे का टेम्परेचर अलग अलग होता है, पर कमरे का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा और कमरे का टेम्परेचर कभी 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस स्थिति में तो हो सकता है कि 7 डिग्री और उससे कम भी हो जाए, पर का रूम टेम्परेचर है वो हमेशा इतना नहीं रहता, रूम टेम्परेचर हमेशा 0 से ऊपर और 100 से नीचे भी रहता है। तो इस अवस्था में जो पानी है वो हमेशा द्रव अवस्था में बना रहता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लोहे की अलमीरा कमरे के तापमान पर ठोस रहती है, तो ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल विद एक्सपेरिमेंट, आप अपने शब्दों में स्थान से लेकर कोशिश कीजिए। यदि आपको स्टूडेंट्स आंसर अच्छी तरह आ जाता है, आप सब्सक्राइब हो तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप इसको राइट डाउन करें फिर नोटबुक में, अदरवाइज कॉल करें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, जो आपकी माइंड की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपको एक नया क्रिएशन सोच पैदा करते हैं और नई दिशा प्रदान करते हैं। सोच की नई दिशा प्रदान तभी होगी या सोच की नई दिशा आपके दिमाग को आपके मतलब मस्तिष्क तभी मिलेगी जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, अपने आप सोचिए, इसका आंसर लिखिए, फिर अपने आप को उसको ध्यान में बिठाइए और 2 बार पढ़िए। यदि आप संतुष्ट हो अच्छी बात है, नहीं संतुष्ट हो तो आप कॉल करिए, इसका आंसर आपको जरूर से मिलेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट देखिए मैं आपको आगे सवाल संख्या बात करता हूँ, 6 मैंने आपको दिया है, 7th भी आप कर सकते चाहो तो अच्छा है। एट का आंसर आपको मैं लिखवा देता हूं, देखिए कह रहा है एट में कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल उड़ने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस हो रही है। आपको आंसर दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है उबलते हुए जल अथवा वाष्प यानी भाप से बोलते हैं, भाप में से जलने ऑब्लिक जलाने की तीव्रता की तीव्रता भाप में अधिक होती है और क्योंकि उबलते हुए जल की अपेक्षा